Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Hello everyone, here we are back again with our mathematics of class 5th, chapter number 11, Perimeter, Area, Volume and Maps. In this chapter, we are going to study about the different shapes and how to calculate the perimeter, area and volume of different shapes. अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम अलग अलग शेप्स का. इन शेप्स को पेरीमीटर और एरिया निकालने के फॉर्मूले क्या क्या हैं वो आपको इस चैप्टर के द्वारा पता चले. ठीक है, सबसे पहले तो हम बेसिक मीनिंग समझते हैं कि पेरीमीटर का मतलब होता क्या है. पेरीमीटर क्या होता है, अगर हम किसी अपने रूम का कहते हैं आपके रूम का पेरीमीटर क्या है, तो हम क्या कहेंगे, आपके रूम की बाउंड्रीज को बताइए कितनी है. मतलब आपके अगर रूम जो है उसके चार दीवारी हैं तो चार दीवारी की डायमेंशंस को हम ऐड कर देंगे. ठीक है, अगर एक दीवार जो है वो है 10 फुट की और दूसरी दीवार जो है वो 12 फुट की, तीसरी दीवार भी 10 फुट की और चौथी दीवार 12 फुट की, तो हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर क्या है, चारों साइड्स को प्लस कर देंगे. ठीक है, बाउंड्री, पेरीमीटर को क्या कहते हैं हम, बाउंड्री. ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, एक तरह से बाउंड्री की डायमेंशंस को ऐड करना. ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक बाउंड्री. जब आप अपनी कॉपीज में लिखेंगे एक बार उसको पेरीमीटर के आगे एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, बाउंड्री. ठीक है, अब हम पेरीमीटर के बारे में अगर हमने बात की है तो हमारा स्टार्टिंग में क्या है, पेरीमीटर ही है, तो हम पेरीमीटर को स्टार्ट करते हैं. अब फर्स्ट क्या है आपकी, रिवीजन एक्सरसाइज. रिवीजन एक्सरसाइज में आपको पेरीमीटर का दे रखा है. देखिए सिंपल वे मैंने आपको क्या बताया, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आपको किसी भी शेप की क्या, अगर आपको बोला गया हो पेरीमीटर निकालना है, तो आपको उसकी चारों साइड्स या जितनी भी उसकी साइड्स दे रखी हैं उनको ऐड करना है. ठीक है, अब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये एक अलमारी की, अलमीरा की शेप है, ये दे रखा है उसका 2 मीटर, और इस अगर ये 2 मीटर है तो उसके सामने वाला ऑपोजिट वाला भी कितना होगा, 2 मीटर. ठीक है, बिल्कुल सही. और अगर ये 3 मीटर है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 3 मीटर. तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 2 + 3, इन सबको ऐड कर दो. ठीक है, बाउंड्रीज को ही तो होता है, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये सबकी बाउंड्रीज को हमने ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, 2 + 3 + 2 + 3 कितना हो गया, 10 मीटर. मीटर ज़रूर लिखना है क्योंकि जो यूनिट दे रखी होगी हमने वो ज़रूर लगानी है. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको. नेक्स्ट वाला आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ये कितना दे रखा है, वी पार्ट 3.5 मीटर. अगर ये 3.5 है तो नीचे वाला भी कितना होगा, 3.5. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दें वो, अगर एक साइड की दे रखी है तो उसके ऑपोजिट साइड वाली भी सेम ही होगी, अगर नहीं दे रखी तो आपको खुद लिखनी है. ये 3.5 तो ये भी 3.5, ये 2 तो इसके सामने वाली भी 2. ठीक है ना, नेक्स्ट इनको सबको ऐड कर लीजिए चारों साइड्स को. ठीक है, 3.5 + 2 + 3.5 + 2 सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा. यूनिट लिखेंगे लास्ट में मीटर, जो मीटर दे रखे तो मीटर. यहाँ पर क्या दे रखा है, सी पार्ट में आता है 6 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर. अभी मैं आपको शेप्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि शेप्स आपको मैं अभी नेक्स्ट में बताऊँगी कि क्या क्या है. ठीक है, ये क्या थी, रेक्टेंगल, ये क्या है, स्क्वायर. अभी मैं आपको बताऊँगी क्या क्या डिफरेंस होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में. ठीक है, इनमें भी आपको चारों साइड्स को ऐड कर लेना है, 6 + 6 + 12 + 6 + 6 कितने हो गए, 24 हो गए. ठीक है, 24 चारों साइड, 6 6 है ना, सबको ऐड कर दिया हमने. फिर नेक्स्ट क्या है, 30.4, इसके सामने वाली भी 30.4, 10.5 इसके सामने वाली भी 10.5, चारों को ऐड कर दूँ. ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सबको सारी साइड्स को ऐड कर दिया, वो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा. बस लास्ट में क्या लिखना है, आपको यूनिट लिखनी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर आंसर में. इनको भी सबको क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. देखिए हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, इन्होंने कहा है कि आपको ना पेरीमीटर निकालना है एक ट्राइंगल का जिसकी एक साइड तो है 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 14 सेंटीमीटर और तीसरी साइड है 20 सेंटीमीटर. तो आपको इनका पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर क्या होता है, सब किस बाउंड्रीज को ऐड करके डायमेंशंस को ऐड करना है. तो ये 12 + 14 + 20 क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर को हमने पी लिख दिया, 12 + 14 + 20 इन सबको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा,
फोर प्लस टू सिक्स, टू प्लस वन इज़ फोर, 46 मीटर। ठीक है, यही आ जाएगा ना। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारी डिवीजन एक्सरसाइज तो हो भी गई, तो आप जल्दी से अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं तो बुक में भी आप कर सकते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा, अब हम जानेंगे कि किस किस शेप का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले हम निकालेंगे रेक्टेंगल का फॉर्मूला। रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप तीन शेप से डील करेंगे, एक रेक्टेंगल, एक एक रेक्टेंगल होगा, एक स्क्वायर होगा और एक ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल तो सबको पता है, सिंपल, इसको हम कहते हैं ट्राइंगल, जो ये हमने बनाया है ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज़ नोन एज ट्राइंगल। क्यों क्यों इसकी एक दो तीन साइड्स होती हैं, ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल की फोर साइड्स होती हैं, बट उसकी जो सामने सामने वाली साइड होती हैं वो सेम होती हैं, बट दूसरी साइड होती हैं वो चारों साइड सेम नहीं होती। देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेड। ठीक है, जो साइड थोड़ी लंबी होती है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, वो उसको हम कहते हैं लेंथ। जिसकी थोड़ी सी छोटी होती है उसको हम कहते हैं ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ मतलब होती है लंबाई कितनी है और ब्रेड्थ मतलब होता है चौड़ाई कितनी है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ब्रेड्थ ही छोटी हो, हो सकता है कि उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो और लंबाई कम हो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि लेंथ हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, लेंथ का मतलब होता है लंबाई और ब्रेड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। अब रेक्टेंगल के में क्या होता है, जैसे ये आप मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन इसकी चारों साइड्स बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो जो लंबाई होगी, जो लेंथ है उसको हम एल से डिनोट करेंगे और जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, उसको हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप देखिए एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, अगर अपने आप कैलकुलेट करते हैं पेरीमीटर क्या होता है, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यही लिखे उन्होंने, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब एल एल दो बार है, एल एल को हमने इकट्ठा लिख दिया, बी बी दो बार है, बी बी को भी हमने इकट्ठा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एल दो बार है तो हमको क्या करेंगे, एक एल को टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बी भी दो बार है, एक बी को टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब टू इंटू एल प्लस टू इंटू बी, ये अब दो टू दो दो बार आ रहा है, हम कहेंगे टू को हमने एक ही बार लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, टू एक ही बार लिख के ब्रैकेट के यहाँ पर लगा दिया मल्टीप्लाई और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो इसका फॉर्मूला बन गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला क्या बन गया, टू मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एक बार फॉर्मूला बोल लीजिए पॉज करके वीडियो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज, ये है। अब हम जानेंगे स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपको शेप दे रखी है स्क्वायर, तो क्या होगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, एस से। ठीक है, रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेड को कैसे डिनोट करते थे, एल और बी से, और स्क्वायर में साइड को कैसे डिनोट करेंगे, एस से, जिसकी चारों साइड्स इक्वल। जैसे कि देखिए क्या है, स्क्वायर है, ये देखिए स्क्वायर है ना, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एस से, इसकी साइड को किससे डिनोट करेंगे, एस से, ये है क्या है, स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप देखिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्रीज को ऐड करना, दिस एस प्लस दिस एस प्लस दिस एस प्लस दिस एस, मतलब एस 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 चार बार हो गए, तो हम चार बार एस लिखने के बजाय क्या करेंगे, फोर इंटू फोर मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है, मान लीजिए अगर आप वन को फोर टाइम्स ऐड करेंगे या वन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम आएगा ना। देखिए वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन क्या हो गया, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन फोर, या फिर वन मल्टीप्लाई बाय फोर, तो क्या हो गया, फोर वन ज़ा फोर। तो ठीक है, किसी भी चीज़ को चार बार प्लस करना है, सेम चीज़ को चार बार प्लस करना है या उसको एक ही बार चार से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम ही होगा, तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, फोर मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड को हमने ऐसे डिनोट किया, आप पूरा लिखना चाहते हैं पूरा लिख लीजिए, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर मल्टीप्लाई बाय साइड। तो इसी से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं एक्सरसाइज 11A के। यूज़ द फॉर्मूला टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्स आर गिवन बिलो। लेंथ का लेंथ डिनोट की है एल से, ब्रेड्थ डिनोट की है पी से। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ये अब आपको कॉपी में करना है, मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे आप यहाँ पर पूरा, इज इक्वल टू कितना है, टू मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, टू मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, हमने टू तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई भी एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट भी एज इट इज़ रहेगी, एल की जगह क्या लिख देना है, एल की वैल्यू क्या है, फाइव, तो हमने लिख दिया फाइव, और बी की वैल्यू क्या है, थ्री, तो हमने लिख दिया थ्री। अब क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में
इक्वल टू डाल के 2 मल्टीप्लाई बाय एज इट इज़, 5 प्लस 3 कितने होती हैं 8, 5 प्लस 3 8, तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, 2 8 का क्या होता है 16, 16 हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। यह मैंने आपको ए पार्ट करके दिखाया है, सेम ऐसा ही करेंगे आप बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट क्या करेंगे, बस एल और बी की जगह क्या लिख देंगे, 5 3 की जगह क्या लिख देंगे 4 प्लस 2, बाकी सारा सेम, ठीक है। नेक्स्ट भी ऐसा ही होगा, बहुत ही ईजी सम है, फॉर्मूला लगाने हैं आपने। नेक्स्ट वाला भी ऐसे होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, एल की जगह 7 लिख देना, बी की जगह 4 लिख देना है और फॉर्मूला लगा देना, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट 7 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, 7 प्लस 4 कितना होता है 11, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 22 सेंटीमीटर आंसर, मीटर आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके सारे पार्ट एफ तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, यूज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ्स आर गिवन बिलो। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब 4 तो मल्टी 4 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई भी ऐसे रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिए हुए, साइड कितनी दे रखी है 19 सेंटीमीटर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय हम 19 लिख देंगे। अब 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, लिख के 4 9 सा 36, 4 1 सा 4 प्लस 3 7, 76 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। यही आया है सबका, तो इसी तरीके से आपको सारे करने हैं। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, एंड पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, ठीक है। ये आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन बिलो। अब ट्राइंगल की साइड्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ट्राइंगल हमने बनाया, उसमें हमने एक ट्राइंगल की एक साइड दे रखी है 5, एक साइड दे रखी है 4 और एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड दे रखी है 4, तो हमने इसको क्या करना है, पैरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स को हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। क्या हो गया, 5 प्लस 4 इज 9 प्लस 4 इज 13, 13 सेंटीमीटर इज आंसर। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो ये आप सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है, ये कंप्लीट करिएगा, कोशिश करिए फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्वेश्चन करने की, नहीं हुए तो मैं करवाऊँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और होमवर्क क्या है आपका, एक बार ये कर लीजिएगा अपने होम कॉपी में ट्राई, और उसके बाद आपका होमवर्क ये भी है, वर्कशीट नंबर कौन सी करेंगे आप, वर्कशीट नंबर 1 के पेज नंबर 225 का वर्क फर्स्ट क्वेश्चन का आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पैरीमीटर निकालना है। यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, आपने इसका सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, पैरीमीटर निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वर्कशीट नंबर 2 का भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ट्राई करना है आपको, ठीक है। बस बाकी यही करना है अभी आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 11A के सारे क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड थर्ड करने हैं, दिस इज़ द होमवर्क। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।